हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सीखेंगे, जो कि काफी आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन पसंद करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सर्वसमिका सिद्ध कीजिए जहां भी कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, देख पा रहे हैं क्वेश्चन में बीच में हमारा इक्वल टू का साइन है और आपको ये बात मालूम है कि इक्वल टू का ये साइड जो होता है सर, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, वो साइड आपका राइट हैंड साइड होता है। तो हम लोग को क्वेश्चन में ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चलना है, इसको हल करते हुए चलना है और फाइनली ये वाला आंसर ला देना है। ठीक है, ये करना है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है हम लोग के पास, जो क्वेश्चन दिए रहेंगे ना, उन क्वेश्चन में जो भी पद टेन कॉट से कॉसिक अगर इस रूप में होगा तो इस टेन को साइन के रूप में बदलना होगा या फिर कॉस, मतलब साइन या कॉस में बदल देना है। कॉट से कॉसिक इन चारों को साइन या कॉस में बदलने की कोशिश करना है। साइन और कॉस में कैसे बदलोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बदलेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में हम लोग LHS की तरफ से चलते हैं और RHS को सॉल्व करके लाते हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेता हूँ, तो हल करते हैं यहाँ पे सर। तो हल करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ब्रैकेट में कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसिक थीटा को अगर आप साइन और कॉस से बदलेंगे तो तुरंत बदल सकते हैं। तो कॉसिक थीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो कॉसिक थीटा को आप लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा, यहाँ पे लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा के लिए साइन और कॉस में कोई फॉर्मूला होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। तो कॉट थीटा के प्लेस में आप कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब साइन साइन का अगर आप एलसीएम लोगे तो ऑटोमेटिक है कि ये साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड दोगे तो वन आएगा, भागा देने के बाद एक को एक से गुना करोगे तो एक आएगा। साइन थीटा को साइन थीटा से भागा दोगे एक आएगा, गुना करोगे कॉस थीटा को एक से तो कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे स्क्वायर, तो फाइनली यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो। अब ये स्क्वायर इस पूरे के लिए भी, ये स्क्वायर इसके लिए भी। चलिए इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वन माइनस कॉस थीटा के लिए भी ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर यहाँ पे इस साइन के लिए भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा जरा यहाँ पे समझिएगा आप। साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कॉस के रूप में लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखते हैं, अब ये प्लस में वो साइड जाएगा माइनस में, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे ये तो लिखा जा सकता है ना, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे ये लिखा जा सकता है ना, तो इस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे मैं ये लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को मैं डिटू उतार दे रहा हूँ, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, इस साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को मैं दो बार लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस थीटा फिर वन माइनस कॉस थीटा। देखो कैसे, ए स्क्वायर को आप लिखते हो ए इंटू ए, दो का स्क्वायर के लिखते हो टू इंटू टू, उस तरीके से वन माइनस कॉस थीटा दो बार इसको लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे अगर वन का स्क्वायर कर दो तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस रूप में इसको ढाल दो क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इस रूप में करोगे तो होगा वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा होगा ना सर। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, वन माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, वन माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, कट कर कैंसिल हो गया। फाइनली हमारा आंसर क्या आया, वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस
कॉस थीटा, और यही चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि इसी चीज़ को प्रूफ करके लाना था जो कि हमने सिद्ध करके ला दिया है। काफ़ी इजी था सर, काफ़ी आसान था, बस आपको फॉर्मूला ये लर्न होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो आप इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। कहीं डॉट है वीडियो को बैक करके आप फिर से समझिए। अगर नहीं समझ में आया है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।